टेक्निकल प्रोत को कर दे सब्सक्राइब और साथ में दबा दे इस बेल को और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल पुरोहित चैनल पे। तो दोस्तों, यूट्यूब का जो नया अपडेट आया है, इस नए अपडेट में जो वीडियो क्वालिटी है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, पहले वीडियो क्वालिटी ऑप्शन कुछ इस तरह से शो होता था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जब से YouTube का नया अपडेट आया तब से वीडियो क्वालिटी ऑप्शन कुछ इस तरह से शो हो रहा है। इस नए अपडेट की वजह से हम जब भी YouTube पर वीडियो देखते हैं तो हमारा मोबाइल डेटा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम पहले वाले वीडियो क्वालिटी ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है नरेश लव पुरोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल पुरोहित चैनल। तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से इंट्रो के साथ करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हमारा जो YouTube है उसको यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने YouTube को ओपन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें ऊपर की साइड थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमें वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर ऑटो पर हमारा जो वीडियो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर सेलेक्ट रहता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हाई पिक्चर क्वालिटी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो मोबाइल डेटा है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लोअर पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन है। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर हमें एडवांस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो पुराना वाला जो वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन था तो दोस्तों वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से हम पहले बैक आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बैक आने के बाद जो प्रोफाइल पिक्चर है तो दोस्तों इस प्रोफाइल पिक्चर पर हमें सबसे पहले क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड नंबर पर हमें एक वीडियो क्वालिटी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सेटिंग है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें ऑटो का यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑटो पर आप रख सकते हो। उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर आप हाई क्वालिटी पर रखोगे तो दोस्तों आपका जो वीडियो है वो हाई क्वालिटी में आएगा। तो दोस्तों, उसमें आपका जो मोबाइल डेटा है वो जल्दी खर्च हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लोअर पिक्चर क्वालिटी है। तो दोस्तों, इस पर अगर आप रखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका 144 पर आपका वीडियो ओपन होगा। तो दोस्तों, जब भी आप वीडियो यूट्यूब पर देखोगे तो दोस्तों वो लो क्वालिटी में ओपन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर लो पिक्चर क्वालिटी ही सेलेक्ट रखना है। उसके बाद दोस्तों, आप जब भी वीडियो को ओपन करोगे तो दोस्तों उसके बाद आपको थ्री पॉइंट पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर क्वालिटी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप पुराने वाले ऑप्शन को यहाँ पर लाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हो हमें एडवांस का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आप जो भी आप यहाँ से क्वालिटी को सिलेक्ट करोगे तो दोस्तों आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर 360 पर, मैं जैसे कि कर लेता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो 360 पर यहाँ पर चलने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप जब भी वीडियो को ओपन करोगे तो दोस्तों आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो लो में ही चलेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर जाकर आपकी जो वीडियो क्वालिटी है उसको यहाँ पर एडवांस पर जाकर आप इसको चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने पुराने वाले वीडियो क्वालिटी को आसानी से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।